हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो अभी हरियाणा एचएसएससी क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके हरियाणा जीके के क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है अगले आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अब हम देखते हैं जो कि मॉर्निंग में 23 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसकी हरियाणा की जीके। हरियाणा के यमुनानगर को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा के यमुनानगर का दूसरा नाम क्या है? कागज का शहर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, एक पेपर मिल है, तो उस पेपर मिल की वजह से इसको क्या कहा जाता है, कागज का शहर या पेपर सिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, चरखी दादरी जिला कब बना? तो चरखी दादरी जिला कब बना था? दिसंबर 2016 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, एच एस आई डी सी ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की? तो ये की है गुड़गांव के मानेसर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो अरावली की पहाड़ी है उसके दक्षिण भाग को जो स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, मेवात की पहाड़ियां। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो किस कौन सी जगह पे होती है, ये अम्बाला में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो कब बना गया था, 12वीं सदी में, तो उसको क्या कहा जाता है, कुल्हाड़ी का किला कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये किला कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 12वीं सदी में, और किसका किला, ये है कुल्हाड़ी का किला। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था? तो बच्चों ये तो सबको पता होगा कि 1994 में किया गया था, लेकिन ये डेट आई हुई थी, तो कब, 12 अप्रैल 1994 को क्या किया गया था, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जारी किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है, बावल में। बावल कहाँ रहेगा हमारा, रेवाड़ी में। क्या है, पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु केंद्र, तो कहाँ रहेगा, ये रहेगा बावल में। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ, वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ के खर्चा सरकार वहन करेगी, पर जो भी वरिष्ठ नागरिक है 60 वर्ष से ऊपर गए, तो उनका जब तो जो खर्चा है वो सरकार देगी जब वो किसी भी तीर्थ में जाते हैं। तो एक योजना चलाई गई है, तो उस योजना का नाम पूछा गया था कि उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम क्या रहेगा, तीर्थ दर्शन योजना। इसमें सिर्फ वो ही आएंगे जिनके क्या है, बीपीएल का कार्ड है जिनके पास, और वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनकी जो तीर्थ यात्रा का खर्च है वो वहन सरकार करेगी, और जो ये वहन करेगी, योजना का क्या नाम दिया गया है, तीर्थ दर्शन योजना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? जो ये राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान है ये कहाँ रहेगा हमारा, हिसार में, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, वो की गई थी 1986 में। तो क्या है क्वेश्चन, हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान, तो इसकी जगह भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ रहेगा हमारा, हिसार में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर है? तो जो सबसे ज्यादा सुअर किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये रहेगा इसका आंसर सोनीपत में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहले कंपनी थी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1970 में। ये क्या है कि पहली कंपनी थी जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू की गई थी, मारुति सुजुकी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसने लिखी थी? तो जो ये हर्षचरित बुक है ये किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ से शुरू, ये कहाँ पे शुरू किया जाएगा, मुंदरी गांव, और ये मुंदरी गांव कहाँ पे रहेगा हमारा, ये रहेगा कैथल जिले में, और कब की गई इसकी घोषणा, इसकी घोषणा की गई 24 अक्टूबर 2015 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में मटके किस पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं? तो जो मटके वो किसके ऊपर बनाए जाते हैं, चक्कर के ऊपर बनाए जाते हैं, और उसमें किसका यूज किया जाता है, चिकनी मिट्टी का। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है?
तो ये फाल नृत्य कब किया जाता है? फाल्गुन में, जब होली आती है तो होली पे ये नृत्य किया जाता है, और होली किस महीने में आती है? फाल्गुन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है? तो यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, खरीफ की पूछा उन्होंने, तो हरियाणा की जो मुख्य खरीफ की फसल क्या रहेगी? चावल। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? जो पंचकुला में आईटी पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 2008 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीरा। कई बार इस क्वेश्चन में क्या है, धर्मवीर भी लिखा मिलता है और धर्मवीरा भी, तो ये आपने देख लेना। तो गवर्नर कौन रहेंगे? पहले गवर्नर धर्मवीरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, बल्लारपुर मील कहाँ पर है? तो ये बल्लारपुर जो बल्लारपुर पेपर मील है, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में। और इसी मील की वजह से यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। या तो अगला हमारा क्वेश्चन है, टूटते बंधन उपन्यास, ये क्या है? एक उपन्यास है टूटते बंधन, तो इसके लेखक कौन है? तो वो रहेंगे हेमराज निर्गम। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ पर है? ये है हिसार में। तो गुजरी महल कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा हिसार जिले में। अगला हमारा है, लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब जो लोहे की पाइप है वो कहाँ पर बनाई जाती है सबसे ज्यादा? तो वो बनाई जाती है हिसार जिले में। अगला है हमारा, कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो वैज्ञानिक उपकरण है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं? अम्बाला में। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं, विज्ञान की नगरी भी इसको कहा जाता है। अगला है, हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? तो पीतल नगरी किसको बोला जाता है? रेवाड़ी को, क्योंकि रेवाड़ी में सबसे ज्यादा पीतल के बर्तन वहीं पे बनाए जाते हैं। अगला है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो ये बनाया था ली गर्बुसियर ने। तो किसने बनाया था? ली गर्बुसियर ने। अगला है, सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो ये सोलन जिला कहाँ रहेगा? हिमाचल में। और वहां से डगसाई नाम की जो पहाड़ी है वो कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी। अगला हमारा है, गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को कहते हैं, जो गले में ऊन का जो पहना मफलर पहना जाता है उसको क्या बोला जाता है? गुलीबंद। अगला हमारा है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, तो हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा किस जिले में होती है? तो ये होती है सिरसा जिले में। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत सी नदियां हैं, तो उनमें से एक नदी बतानी है। तो क्वेश्चन ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे कि शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत सारी नदियां निकलती हैं या है, तो उनमें से कोई एक नदी का नाम बताओ, तो वो रहेगा हमारा घग्गर। अगला है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ है? तो ये रहेगा करनाल में। अगला हमारा है, हरियाणा पूर्व में किस प्रदेश से घिरा हुआ है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा प्रदेश है? तो वो रहेगा उत्तर प्रदेश। अगला हमारा है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली नदी बाढ़ पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है, इसके निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये दो हिस्से बनाती है, एक नीचे का एक ऊपर का, तो निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? खादर। अगला हमारा है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं, तो हरियाणा में जो पवित्र मानी जाती है वो कौन सी है? दर्शदवंती और सरस्वती। अगर इंडिया की पवित्र नदी पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा हमारा गंगा, और दक्षिण दक्षिण भारत की जो पवित्र नदी वो रहेगी गोदावरी, और भारत की रहेगी गंगा। अगर हरियाणा की पवित्र नदी क्या रहेगी? दर्शदवती और सरस्वती। अगला हमारा है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है, मतलब जो पूरे 12 महीने नहीं बहती, तो वो नदी कौन सी है? दोहान नदी, जो कि एक मौसमी नदी है। अगला हमारा है, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो ये रहेगा डोसी की पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 652 मीटर। तो ये 38 क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो बीज योजना 2011 में शुरू की गई, और ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था जो शिवालिक की पहाड़ी वाला, तो इसमें घग्गर भी कहाँ की नदी है? शिवालिक की पहाड़ियों की, और टांगरी भी, लेकिन ऑप्शन में टांगरी दिया हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग टांगरी ही आएगा।
तो गग्गर भी कांगी है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, लेकिन पेपर में जो है टांगरी दिया हुआ था, तो इसका आंसर टांगरी होगा। ये थी हमारी आज की हरियाणा जीके की वीडियो, और इसमें हमने जो है 23 सितंबर के जो इवनिंग और मॉर्निंग के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।